हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, क्योंकि इसका कंसेप्ट यूज़ होगा बार बार मटेरियल साइंस में। अब कोई भी चीज़ है वो मॉलिक्यूल से बनी होती है। अब मान लो कोई हमने एक चीज़ ले ली, उसके ये मॉलिक्यूल से इस तरह से अरेंज्ड है, इस तरह से पैटर्न है उनका। अब क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों के बीच में आपस में फोर्स होती है, जिसके कारण ये एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, दूर जाने नहीं देते। अब वो फोर्स कैसी होती है, स्प्रिंग की टाइप, जैसे ये स्प्रिंग्स है ना, इसकी तरह वो फोर्स होती है। तो ये क्या करते हैं कि ये इन मॉलिक्यूल्स को आपस में पकड़ के रखते हैं, और ये जो फोर्स है जिसके कारण ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, इसी फोर्स को कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये था इंटरमोलिकुलर फोर्स का कंसेप्ट। अब है क्या चीज़, जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, अब मैं क्या करूँगा, अगर मान लो इसमें एक दो तरह की फोर्सेस होगा। पहले आपको बता दूँ कंप्रेशन और टेंशन। जैसे मान लो इसमें मैं टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ। टेंसाइल फोर्स का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स को पकड़ के मैं ऐसे खींच रहा हूँ, ऐसे इनको लंबा कर रहा हूँ, मतलब इलांगेट कर रहा हूँ, तो वो होगी टेंसाइल फोर्स। जैसे ये है मेरे पास, मान लो इसको मैं इस तरह से खींच रहा हूँ, तो ये जो मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स इसको मैं खींच रहा हूँ, तो ये होगी टेंसाइल फोर्स। अब इसके कारण क्या होगा, अगर मैं इसे फोर्स लगाऊँ तो ये लंबा हो जाएगा, मतलब इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो ख़राब हो जाएगी, मतलब कि कन्फिग्रेशन में चेंज आ गया। वैसे अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स को आपस में कंप्रेस करूँ, दबाऊँ, तो मैं बोलूँगी वो कंप्रेसिव फोर्स है। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, इनका एरिया कम हो जाएगा। अब जैसे ये टेडी बेयर ले लो, अब इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा, तो मैं इस तरह से लगाऊंगा इस पर, तो उससे क्या होगा, उसका एरिया कम हो गया, तो उसके कारण भी इसकी कन्फिग्रेशन में चेंज आ जाएगा। तो वो जो चेंज इन कन्फिग्रेशन है, इसको मैं किसी भी तरह से खींच सकता हूँ, कोने से पकड़ के भी खींच सकता हूँ, कंप्रेस भी कर सकता हूँ, टेंसाइल भी कर सकता हूँ, टेंजेंशियल भी लगा सकता हूँ, किसी भी तरह की फोर्स लगा सकता हूँ। उससे क्या होगा, इसकी कन्फिग्रेशन में चेंज आएगा, और वे जो चेंज इन कन्फिग्रेशन है उसको मटेरियल साइंस में डिफॉर्मेशन कहते हैं, कि मटेरियल डिफॉर्म हो चुका है, मटेरियल डिफॉर्म हो गया, मटेरियल डिफॉर्म हो गया, मटेरियल डिफॉर्म हो गया, ऐसे बोलते हैं। अब जिस फोर्स के कारण हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, जिसके कारण डिफॉर्मेशन हो रही है, और जो एक्सटर्नल फोर्स है उसे हम मटेरियल साइंस में डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा किसी मटेरियल में। अब मान लो मैंने इसको इलांगेट किया था, ये मॉलिक्यूल्स, मान लो ये जो मॉलिक्यूल था ये यहाँ पर आ गया, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया, ये इलांगेट होगा अपनी जगह से। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ये वापस अपनी पोजीशन गेन करने की कोशिश करते हैं। ये जो है इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, वापस यहाँ पर लाने की कोशिश करता है। अब ये जो फोर्स इस पर लगी ताकि ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग से समझ सकते हो आप, ये वापस अपनी जगह पर पहुँचने की कोशिश कर रहा है। तो बाद में जो फोर्स लगती है इसको वापस अपनी पोजीशन पर लाने के लिए, उसे कहा जाता है रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स स्टार्टिंग में तो जीरो होगी, क्योंकि अब मान लो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, इस पर कुछ मैं फोर्स लगा नहीं रहा, एक्सटर्नल फोर्स, तो इस वक्त रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होगी। लेकिन जब मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दी, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गए, उसके बाद जो फोर्स लगेगी इसको वापस अपनी पोजिशन पर लाने के लिए, उसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ये इंटरनल रेजिडुअल फोर्स भी कहते हैं इसको कभी कभी, इंटरनल रेजिडुअल फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स को, ठीक है। अब हम आते हैं स्ट्रेस की तरफ, कि स्ट्रेस क्या चीज़ है। स्ट्रेस, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स हमने बताई, ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, कुछ एरिया के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम, कुछ पर्टिकुलर एरिया पे जितनी रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है उसी को स्ट्रेस कहते हैं। जैसे फॉर्मूला हम कह सकते हैं मैथमेटिकली, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। बट ये फोर्स कौन सी है, रिस्टोरिंग फोर्स, ना कि डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जैसे मैंने क्या किया, कोई चीज़ मैंने कंप्रेस की, मान लो इसी को मैं कंप्रेस करूँ, ये कंप्रेस तो हो नहीं रहा, ये मान लो इसको मैंने इस तरह से कंप्रेस किया, ठीक है। तो अब मैंने कंप्रेस कर दिया इसको, वो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि जो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ ये पर यूनिट एरिया जो हो गया हमारे पास, ये एक्सटर्नल फोर्स लगाई इससे ये कंप्रेशन हो गया, तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया, कुछ एरिया पर मैंने फोर्स लगाई वो स्ट्रेस हो गया, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस क्या हुआ, ये मैंने इस पर फोर्स लगाई। अब इसके जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर के, ये वापस अपनी जगह पर आने की कोशिश कर रहे हैं, वापस, जैसे इसको मैंने कंप्रेस कर दिया, यहाँ पर पहुँच गया ये मॉलिक्यूल, मान लो यहाँ पर पहुँच गया। अब ये जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगती है, जिसके कारण क्या होता है, ये मॉलिक्यूल वापस अपनी जगह पर आने की कोशिश करता है। अब ये जो टेडी बेयर है, मान लो इसको मैंने कंप्रेशन फोर्स लगाई, ये वापस अपनी जगह पर आने की कोशिश कर रहा है। अब जो ये फोर्स लग रही है, इंटरनल रेजिडुअल फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स जो लग रही है इस टेडी बेयर पे, जो मैंने फोर्स लगाई, वो अगर हम किसी एरिया पर बात करें कितनी लग रही है, तो हम बोलेंगे स्ट्रेस है। समझ रहे हो, ये फोर्स पर यूनिट एरिया है, लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स है वो नहीं है, जो इंटरनली फोर्स लग रही है रेजिडुअल फोर्स, ताकि मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर वापस आ जाएँ,
वो चीज़ होती है स्ट्रेस। अब ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी जगह पर आ जाए, ये हो सकता है कि एक्सटर्नल फोर्स हमने ज़्यादा लगाई हो तो रिस्टोरिंग फोर्स वापस उसको अपनी जगह पर ना ले पाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये फोर्स कौन सी है, इंटरनल रेजिडुअल फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास स्ट्रेस होता है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स की न्यूटन, एरिया की मीटर्स के, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर्स के, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं, और इसे डिनोट करते हैं हम सिग्मा से। अब स्ट्रेस आगे बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया, तीन टाइप में भी आप कह सकते हो, कैसे, एक नॉर्मल स्ट्रेस, एक टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को फिर फर्दर डिवाइड किया कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस जैसे मैंने आपको बताया, ये कंप्रेशन मैंने किया था, जो ये फोर्स लगी है, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई मैंने इस पे, अब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो होंगे, अब मैं ये चीज़ इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, अब इसके मॉलिक्यूल्स वापस नॉर्मली आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कौन सी स्ट्रेस हो गया, कंप्रेशन स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस के टाइप है कंप्रेशन स्ट्रेस। और दूसरा टेंसाइल स्ट्रेस, अब इसको मैंने खींचा इस तरह से, अब मैंने खींच लिया तो ये मॉलिक्यूल्स वापस अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो स्ट्रेस वो हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। ये स्ट्रेस थी बेसिकली क्या चीज़। अब उसमें दो टाइप हम पढ़ रहे हैं, कंप्रेशन और टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। एक होती है टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस की होती है टेंजेंशियल लगती है किसी चीज़ पर, जैसे ये चीज़ है स्केच है। अब इस पे मैं कंप्रेसिव स्ट्रेस होता तो कैसे होता, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस ऐसे होता, टेंसाइल स्ट्रेस में खींच रहा होता टेंसाइल स्ट्रेस होता। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस कैसा है, जैसे ये चीज़ है हमारे पास कोई पड़ी हुई चीज़, अब ये इसका एक पोर्शन फिक्स्ड है, मैं इस पर टेंजेंट, जैसे कहते हैं टेंजेंट है, वैसे मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ इस तरह से, ये तो वहीं रहा, ये अपनी पोजिशन डिस्प्लेस हो गया, तो ये हो गया टेंजेंशियल स्ट्रेस। जैसे ये एक ब्लॉक है, इसको मैंने यहाँ से फोर्स लगाई एक, तो इसकी ये चीज़ तो यहीं पे सेम थी, अब ये जो पोर्शन है ये आगे आ गया, इस जगह पर ये पोर्शन आ गया, तो ये कौन सा आ गया, टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब इस पर हम बोलेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, जितना हमने फोर्स लगाया तो ठीक है, 5 न्यूटन 10 न्यूटन वो तो ठीक है। अब एरिया कौन सा लेंगे हम, एरिया इसमें जिस सरफेस हमने लगाई ना फोर्स, वो वाला एरिया लेंगे। जैसे यहाँ पर ये वाला एरिया नहीं लेंगे हम, ये ज़्यादा कम भी हो सकता है, हम लेंगे ये जो ऊपर वाला एरिया जहाँ पर हमने फोर्स लगाई वो वाला एरिया लेंगे। ये हो गया टेंजेंशियल स्ट्रेस, स्ट्रेस की टाइप। स्ट्रेस आपको समझ आ गया होगा। अब आगे जाते हैं हम स्ट्रेन की तरफ, कि स्ट्रेन क्या चीज़ है। अब क्या हुआ कि जैसे हम इस पर हम स्ट्रेस लगा रहे थे, हम फोर्स लगा रहे थे जिसके कारण स्ट्रेस जनरेट हो रहा था, हम नहीं कह सकते स्ट्रेस लगा रहे स्ट्रेस तो जनरेट होता है, हम फोर्स लगाते हैं, हमने फोर्स लगाई जिसके कारण स्ट्रेस जनरेट हुआ। अब उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर जैसे कंप्रेशन स्ट्रेस था, उसके कारण क्या हुआ कि पहले इसकी डायमेंशन इतनी डायमेंशन थी, इसकी इतनी लेंथ थी मान लो, अब मैं जब स्ट्रेस जनरेट हुआ तो क्या हुआ, इसकी डायमेंशन चेंज हो गई, तो स्ट्रेन यही है कि चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेस के बाद कितना चेंज आया डायमेंशंस में ओवर पहले कितने डायमेंशन थी, या फिर इसको कह सकते हो डिफॉर्मेशन ओवर ओरिजिनल साइज। जब आपने स्ट्रेस जनरेट हुआ तब उसमें कितनी डिफॉर्मेशन हुआ और पहले ओरिजिनल साइज कितना था, तो यहाँ से आप देख सकते हो स्ट्रेन को, कि स्ट्रेन क्या चीज़ है। इसको डिनोट करते हैं एप्साइलन से। अब इसकी जैसे स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये भी डायमेंशन और नीचे भी डायमेंशन है, डायमेंशन डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगे, रेशियो है दो चीज़ों की सेम चीज़ों की, तो इसकी जो कोई यूनिट नहीं होगी ना इसकी कोई डायरेक्शन है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें ऊपर भी नीचे भी कैंसिल हो जाएंगी। अब स्ट्रेन भी आगे तीन टाइप का होता है, एक आ गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा कि जैसे इसको मैंने टेंसाइल फोर्स लगाई, ये टेंसाइल फोर्स लगाई तो उससे क्या होगा, उसकी डायमेंशन थोड़ी इलांगेट हो जाएगी। जैसे मान लो ये कोई चीज़ है, जैसे मैंने किसी कोई रॉड है उसको मैंने टाई किया हुआ है, ठीक है, अब इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस तरफ नीचे की तरफ, उससे क्या होगा, थोड़ा अपनी जगह से, जैसे इसकी पहले इतनी लेंथ थी एल, अभी थोड़ा बढ़ के तो ये लेंथ हो जाएगी इसकी डेल एल, थोड़ी एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ गई है, तो अब ये जो चेंज हो गया डायमेंशन थोड़ी लंबी हो गई, लॉन्गेट हो गई है, अब कितनी चेंज हुई है और पहले कितनी थी वही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा। मतलब चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, अगर हम लेंथ की टाइप पे बात करें तो वो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वैसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को बल्क स्ट्रेन भी कहते हैं, ये होगा चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। अब मान लो कि बैलून है, स्टार्टिंग में उसकी शेप इस तरह की, मान लो सिंपल सा बैलून है कोई, ठीक है, अब जैसे ही आप उस पर स्ट्रेस लगाते हो, ज़्यादा मान लो फोर्स लगा रहे हो कुछ, आप उसमें हवा भर रहे हो, तो क्या होगा, वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा कोई मॉलिक्यूल, कोई यहाँ स्ट्राइक करेगा, कोई यहाँ स्ट्राइक करेगा, कोई यहाँ स्ट्राइक करेगा, तो उससे क्या होगा, इसका ऐसे ये एरिया बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसका, तो क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, वो हो गया हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है, डेल वी ओवर वी, ये था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वैसे अब आ गया शेयरिंग स्ट्रेन। अब शेयरिंग स्ट्रेन में क्या है कि जैसे वो हमने ब्लॉक वाले एग्जांपल ले रहे हैं फिर से, ये इस पे मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगाई, ये यहाँ पर चला गया,
तो अब इसको आप कैसे ऐसे भी कह सकते हो कि चेंज इन एंगल टू द ओरिजिनल एंगल, कि एंगल में कितना चेंज आया और पहले कितना एंगल था, क्योंकि तो इसमें लेंथ की टर्म्स में या वॉल्यूम की टर्म्स में तो कह नहीं सकते क्योंकि ये एरिया सेम ही सेम चीज़ है। जैसे इसको मैंने ना इसको मैं इलोंगेट कर रहा हूँ ना कंप्रेस कर रहा हूँ, इसको मैंने सिर्फ ऐसे किया और चीज़ यहाँ पर चली गई, तो अब इसका ना लेंथ चेंज हुई है ना इसकी वॉल्यूम चेंज हुई है, तो इसका एंगल कह सकते हो चेंज हुआ है। तो अब इसको ऐसे समझ सकते हो चेंज इन एंगल ओवर ओरिजिनल एंगल, और इसको निकालते हैं हम ऐसे जैसे थीटा की टर्म्स में, एंगल की टर्म्स में वो कैसे निकालते हैं, हमें पता थीटा इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस, ये फॉर्मूला होता है और उसी से हमने निकाल दिया ये थीटा इक्वल्स टू, मान लो ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर था, इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाई, ये यहाँ पर पहुँच गया, तो ये जो थी आर्क होगी एक्स, और लेंथ कौन सी लेंगे हम जो स्टेशनरी होती है ओवर एल, आर्क ओवर रेडियस, जैसे ये चीज़ थी इसको मैंने टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाया, तो ये यहाँ से ये यहाँ चला गया, तो अब ये तो जैसे इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, बाद में यहाँ पर चला गया, तो ये जो आर्क तो होगी ठीक है, अब लेंथ कौन सी लेंगे हम, ये लेंथ नहीं लेंगे, लेंथ लेंगे ये जो जो फिक्स्ड है, जहाँ से पकड़ रहे हैं हम और जहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं वो नहीं लेंगे लेंथ, लेंथ हम ये वाली लेंगे ठीक है, जो फिक्स चीज़ है यहाँ पे रहेगी, ये हो गया शेयरिंग स्ट्रेन। अब यहाँ से आपको लास्ट वीडियो में इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी समझाया था, वो आपको समझ आया होगा कि इलास्टिक मटेरियल क्या होगा, प्लास्टिक मटेरियल क्या होगा। इलास्टिक का मतलब जैसे ये चीज़ है, अब इसको मैंने क्या किया, अगर डिफॉर्म किया, डिफॉर्म करने के बाद अगर ये वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाए तो हम बोलेंगे इसमें इलास्टिसिटी है। अगर ये यहाँ पर मॉलिक्यूल यहाँ पर पहुँच गए डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद और अब वापस रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, ये अपने इनिशियल पोजीशन पर ना पहुँच पाए, बट यहाँ पर ये थोड़ा आगे पीछे कहीं पर आ जाए, तो हम उसको बोलेंगे ये मटेरियल प्लास्टिक है। ये था इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी, लास्ट वीडियो में आपको समझाया भी था। अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन समझ आ गया, अब हम बढ़ते हैं हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ क्या चीज़ है, हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन या स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। जैसे कि अब जितना हम स्ट्रेस लगाएंगे किसी चीज़ पे, जितना स्ट्रेस होगा उतना ही स्ट्रेन होगा, अब इतना इसमें स्ट्रेस जनरेट हो रहा है तो उतना ही स्ट्रेन भी होगा, मतलब स्ट्रेस जितना लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही डायमेंशन में चेंज आएगा। तो कह रहे हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन ये कब तक है, विद इन इलास्टिक लिमिट्स, इलास्टिक लिमिट्स के अंदर ही चीज़ पॉसिबल है, ये लॉ कहता है हमें। इलास्टिक लिमिट के बाहर चले जाएंगे तो क्या होगा, इलास्टिसिटी नहीं रहेगी मटेरियल में, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस लगाएंगे ये हो सकता है उसमें स्ट्रेन ज़्यादा आ जाए, तो इसलिए ये विद इन इलास्टिक लिमिट्स इसमें लिखना ज़रूरी है कि इलास्टिक लिमिट्स के अंदर स्ट्रेस जो हमारा वो स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। वैसे कहते हैं कि स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेस के, क्योंकि स्ट्रेन रिजल्ट है स्ट्रेस का। तो अब इसको हम प्रोपोर्शनल को साइन हटाने के लिए के लिख सकते हैं यहाँ पे, स्ट्रेस इक्वल्स टू के इन टू एप्साइलन ठीक है। अब यहाँ से के लिख सकते हैं हम सिग्मा ओवर एप्साइलन, मतलब स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो ये जो हमारे पास के है इसको हम कहते हैं कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको कई बार कैपिटल ई से भी डिनोट करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं है, तो स्ट्रेस की जो यूनिट है वो इसकी यूनिट होगी, मतलब न्यूटन पर मीटर्स के, या फिर पास्कल आगे यूनिट कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, जो कि हमारा हुक्स लॉ कहता है। अब ये जो है कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आएगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको डिनोट करते हैं वाई से। अब ये क्या होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस, कितना नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब कि लेंथ में कितना चेंज आ रहा है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था, लेंथ की टर्म्स में, और नॉर्मल स्ट्रेस जो टेंसाइल या कंप्रेसिव कोई भी हो सकता है, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया नॉर्मल स्ट्रेस जो लग रहा है उसके कारण लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या आ रहा है, मतलब स्ट्रेन में क्या डिफरेंस आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में, तो वो हो गया यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वैसे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी नॉर्मल स्ट्रेस के कारण वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या चेंज आ रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में हमने पढ़ लिया, तो इसको बी से नोट करते हैं। फिर आ गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको डिनोट करते हैं जी से। यह आ गया टेंजेंशियल स्ट्रेस ओवर शेयरिंग स्ट्रेन, अब देखो नॉर्मल स्ट्रेस थी वो आ गई, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी आ गई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन, सारी चीज़ इसमें इंक्लूड होगी ठीक है। ये था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कि टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाया और कितना शेयरिंग स्ट्रेन हुआ, उसकी रेशियो आ गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इस तरह से तीनों चीज़ों को समझ सकते हैं। अब क्या करते हैं हम जब कोई प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं किसी चीज़ का, तो हम इसमें अगर इन दोनों की बात करें तो हम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेफर करते हैं बल्क मॉडुलस के अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि हम किसी चीज़ में नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हाँ मान लो ये जिसको टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहा हूँ, नॉर्मल स्ट्रेस की टाइप है, तो उससे क्या होगा, इसकी लेंथ में चेंज आएगा थोड़ा सा। अब ये चीज़ है, मान लो इस पर मैं नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहा हूँ तो इसकी लेंथ मान लो थोड़ी सी बड़ी हो रही है,
अब लेंथ बड़ी होगी लेकिन वॉल्यूम में तो चेंज, थोड़ा सा वॉल्यूम में चेंज आएगा ना। जैसे ये चीज़ है, इसको मैं नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहा हूँ, खींच रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि ये इस तरह से हो जाएगा थोड़ा सा। अब इसमें लेंथ में तो ज़्यादा चेंज आएगा लेकिन वॉल्यूम में थोड़ा कम चेंज आएगा, तो इसलिए हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को जनरली नेगलेक्ट कर देते हैं, हम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हैं, क्योंकि लेंथ में ज़्यादा चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में कम चेंज आ रहा है, तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं, इसको प्रेफर कर सकते हैं। वैसे अब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का रिलेशन देखें तो वो ये आता है जी इक्वल्स टू वाई ओवर थ्री, मतलब कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइम्स होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के। ठीक है, मतलब कि अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमारे पास 5 है तो यंग मॉडुलस हमारे पास 15 हो जाएगा। यह आ गया इसके और इसके बीच का रिलेशन, ये एक्सपेरिमेंट्स करके प्रूव किया गया। अब इसके बारे में देख लेते हैं हम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये स्टील के लिए इतना होता है 200 × 10⁻⁹ N·m², एल्यूमिनियम के लिए 70 ये होता है, वुड के लिए 13 × ये, डायमंड के लिए 1220 × ये, रबड़ के लिए 0.1 × ये। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, कि हमने थोड़ा सा स्ट्रेस लगाया और थोड़ा सा स्ट्रेस जनरेट हुआ उसमें कितना स्ट्रेन आया, तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी इलास्टिक है। जैसे स्टील है, मैंने क्या किया, इस चीज़ को मैंने नॉर्मल स्ट्रेस लगाई, मानो इलांगेट किया, जैसे ये था मान लो मार्कर था, स्केच था, इस पर मैंने नॉर्मल स्ट्रेस लगाया, तो मान लो इसकी पोजीशन यहाँ से ये यहाँ पर आ गया, पहले यहाँ तक था ये, अब ये यहाँ पर आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि हमने हमेशा जो एरिया है वो 1 m² ही लिया है केस में, ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इंटरनल जो फोर्स लगा रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हैं अपनी जगह पर वापस आने के लिए, 10⁻⁹ तो सब में कॉमन है, इसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा, तो ये जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगा रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हैं वापस यहाँ पर पहुँचने के लिए, वो कितने न्यूटन लगा रहे हैं, 200 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं वो वापस अपनी जगह पहुँचने के लिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। जैसे एल्यूमिनियम की बात करो तो वो 70 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, वैसे तो 10⁻⁹ पे सब में कॉमन है इसलिए इसको मैं ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ। एल्यूमिनियम के क्या कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, 70 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं वापस अपनी जगह पे आने के लिए, स्टील के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 200 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं अपने पोजिशन पर आने के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा इलास्टिक कौन हुआ, स्टील हुआ, क्योंकि स्टील 200 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है अपनी वापस पोजीशन गेन करने के लिए, जबकि एल्यूमिनियम सिर्फ 70 न्यूटन की लगा रहा है, वुड 30 न्यूटन लगा रहा है, मतलब वुड की इलास्टिसिटी और कम हो गई। सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन सा होगा, डायमंड हो गया, क्योंकि वो 1220 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है अपनी पोजीशन पर आने के लिए, वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है अपनी पोजीशन पर आने के लिए, तो इन सब में सबसे ज़्यादा वो कौन सा हो गया, इलास्टिक कौन सा हो गया, डायमंड सबसे इलास्टिक हो गया। और रबड़ की बात करें तो रबड़ सिर्फ 0.1 न्यूटन की फोर्स लगाता है अपनी पोजीशन वापस गेन करने के लिए, तो अगर आप देखो तो हम देखते हैं कि रबड़ जो है उसको हम खींचते तो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है इजीली, लेकिन स्टील को खींचो वो तो आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि रबड़ इलास्टिक हो गया। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके देखा गया है कि रबड़ सिर्फ 0.1 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है अपनी पोजीशन गेन करने के लिए, जबकि स्टील 200 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है अपनी पोजीशन गेन करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक हुआ ना कि रबड़ ज़्यादा इलास्टिक हुआ, एल्यूमिनियम से ज़्यादा इलास्टिक स्टील हुआ और सबसे ज़्यादा इलास्टिक डायमंड हुआ। और वो जो हम चीज़ कहते हैं कि रबड़ है उसको हमने खींचा वो वापस अपनी पोजीशन पर आ गया, वो इलास्टोमर्स होते हैं ना कि इलास्टिक हम कह सकते हैं उनको, वो इलास्टोमर्स की टर्म्स में आते हैं। अगर इलास्टिसिटी की बात करें तो स्टील की इलास्टिसिटी ज़्यादा है रबड़ से, क्योंकि रबड़ के मॉलिक्यूल सिर्फ 0.1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं अपनी पोजीशन गेन करने के लिए, जबकि स्टील जो है 200 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है अपनी पोजीशन गेन करने के लिए, तो यहाँ से आपको समझ आएगा कि कौन ज़्यादा इलास्टिक है। वैसे बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी आपको टेबल मिल जाएगा, ये मैंने आपको नॉर्मल समझाने के लिए बताया कि इसका मतलब क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या चीज़ है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। अब आपको कभी कोई चीज़ चाहिए इलास्टिसिटी जहाँ पे आपको प्रेफर करनी है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ टेबल देखते हो, उसके अकॉर्डिंग आप मटेरियल सेलेक्ट करते हो, यहाँ आपको ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल चाहिए तो आप कौन सा लोगे, और कॉस्ट भी आप देखते देखते, सिंपल सी बात है। तो ये था आज की वीडियो में, आपको मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बताऊंगा, डक्टाइल मटेरियल्स के लिए और ब्रिटल मटेरियल्स के लिए, वो मैंने आपको आज बताना था लेकिन ये सब चीज़ें ज़रूरी थी उससे पहले बताने, इसलिए सब बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताऊँगा, डक्टाइल मटेरियल्स के लिए भी और ब्रिटल मटेरियल्स के लिए भी। तो आज के लिए जय हिंद।